बात कोई बची नहीं। खैर ये भाई खैर उन्हें भजा बुरी छोड़े ना के तराहे ना के उधार उधार पड़े में ना लाड़ पे न क्यों बस अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे वार तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है या किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और जना वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे व्यूअर, सासू माँ जो है ना अपने छोटे बेटे के यहाँ रहती थी ना, तो आज जो है ना उसकी जो है ना बीवी बेगम वो लाड़ पड़ी है। तो वो तो अमीर है, उनके यहाँ ज़्यादातर रहती थी, लेकिन हम तो गरीब हैं। मेरा जो शौहर है ना ये सासू माँ का बेटा है। तो आज जो है ना ये टाइम इतनी देर हो गई है, तो ये पैदल आपको कोई छोड़ गया है, पैदल आई हैं इतना दूर। देखो जान हालात देखो, क्या करा लड़ लड़ पेन वाल माए पैदल टोर पइया वाल माए आ गई हैं इतना होले डाडे। वो एक बंदा आंदा पी आई वो मेरे को थोड़ा जा दो चार एकड़ मेरे को चाहिए साल है सवाल बीच बीच आ गई। आजकल का दौर तो देखो, बेटा माँ का नहीं है और माँ बेटे की नहीं है। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मेरी तौबा, बस अल्लाह ताला से जो है ना तौबा करनी चाहिए। ये बेटे के हालात हैं, उन्होंने जो है ना अपनी अम्मी को घर से, अपनी बीवी की मान कर अपने घर से जो है ना कह दिया है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन हम खुदा से डर कर ये बात आप तमाम भाई और बहनों से शेयर कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम गरीब भी हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल इतने नाजुक बनाए हैं। तो एक परेशानी मेरी और भी बढ़ गई है। और चलते हैं सासू माँ से पूछते हैं कि ये कहती है कि मेरे छोटे बेटे के यहाँ रहती थी ना, कहती है कि मेरा झगड़ा हो गया है बेटे से। तो चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सासू माँ सुनाओ, क्यों झगड़ा हो गया है आपका आपके बेटे के साथ? ओ झक्का बताओ बताओ, इधर से बात करो। मैं उनको आकर तो यहाँ मेरे को गोलियाँ खेल दी पैसे दी तू आके मेरे को पैसे करने गोलियाँ नहीं खेल देता। जुत्ती कान आई वालू तू निकी जुत्ती की दी वाल जुत्ती गेंद पाती मी वाल तू आईया वाले तारे को आ गई तू सहा दे अट्टा कहीं बैठ जावा बस। हाँ ये बात तो सासू माँ है, हमारे छोटे छोटे बच्चे है ना, आपको पता है कि महंगाई कितनी है। आटा तो इतना महंगा है, कम से कम 4,000 का एक मन है। तो हम भी पता है क्या करते हैं, सुबह जो है ना बच्चों को मैं रोटी दे देती हूँ, सारा दिन जो है ना बस एक कप चाय का पी लेते हैं और जो है ना सारा दिन गुजार लेते हैं। शाम को जो है ना अनुमान और अजान का अबू जाता है, उनका भी क्या रोजगार है, इतना भाई काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। 100-150 या 250 कमा कर ले आता है, उनसे अट्टा खरीदें या डालटा खरीदें या खा चीनी खरीदें या पत्ती, क्या करें, बहुत ही मुश्किल हालात है। तो अल्लाह सुभान देसी और क्या करूँ। हाँ अल्लाह पर तो भरोसा करते हैं ना, अल्लाह ताला तो देगा, ज़रूर देगा। अगर अल्लाह ताला ने मुश्किल दिन दिए हैं तो अल्लाह ताला आसान दिन भी देगा, ज़रूर देगा। रब पर तो भरोसा करते हैं। हालात जैसे भी हैं, ये तो बुज़ुर्ग है, इनका
तो ख्याल रखना पड़ेगा। और जो है ना अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज़ है, आज जो है ना हम इनका ख्याल रखेंगे तो कल को जो है ना हमारे साथ भी ऐसा वक्त होगा। तो जैसी रूखी सूखी हम खा लेते हैं तो सासू माँ भी वैसे खा लेगी। तो विवर्स ये कभी तो अल्लाह ताला हमारे हालात अच्छे करेगा, इसलिए तो विवर्स हमने चैनल बनाया है, क्योंकि हमारी ज़मीनें भी नहीं हैं तो इसी वजह से मजबूर होकर किसी को खुशी नहीं होती यूट्यूब पर वीडियो बनाने की। तो यही मजबूरी जो है ना हमें यूट्यूब पर ले आई है। तो विवर्स इंशाल्लाह हम भी कभी कामयाब हो जाएंगे और हमारे हालात मजदूरी जो भी अच्छे हो जाएंगे। मजदूरी नाल क्या पढ़ते हैं, आपका बेटा भी मजदूरी पर जाता है, आपको पता है कि मेरी बहू जो है ना ये भी मजदूरी पर जाती है। मैं छलिया पटने जाती हूँ, मुझे 200 मुझे तरीका मिल जाती है। तो अभी जो है ना नुमान ने इतना तंग करके रखा है, कह रहा है कि 600 की गैड है, अम्मी मुझे खरीद कर दो। विवर सच्ची पूछे तो अपने सोत्र से जाकर गैड ले आता है और मेरा बेटा सबक याद कर लेता है, फिर जो है ना इसका सोत्र है वो आता है ले कर चला जाता है। कभी कभार तो ये बच्चे हैं लाड़ भी पड़ते हैं, कभी तो इनको सबक याद करने भी नहीं देता। नुमान शाम को भी रो के सोता है और सुबह भी मैं मुझे कह रहा है कि अम्मी मुझे गैड खरीद कर दो। तो मैंने नुमान से कहा कि मजदूरी पर मैं जाती तो हूँ सिट्टियाँ तोड़ने, तो एक दो दिन से जा रही हूँ ना, तो 600 बनाने में तो कम से कम 8 दिन लग जाएंगे ना, फिर नुमान को जो है ना मैं गैड खरीद कर दूँगी। फिर भी गैड क्या खरीद कर दूँगी, फिर भी इनके जो है ना घर के खर्चे इतने हैं कि कभी घी खरीदना पड़ता है, कभी जो है ना चीनी खरीदनी। इनके पेट को देखें या इनकी ख्वाहिशें, कोई ख्वाहिश भी मेरे बच्चों की पूरी नहीं होती। मैं क्या करूं, मजदूरी पर भी जाती हूं और इतना महंगाई का दौर है, चलो खेलो, हाथ भी अच्छे नहीं होते। आपने जो है ना जिस तरह हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप हमारी इस तरह सपोर्ट जारी रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और कल मिलेगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेहमान अजान कोई काम भी कर लो बेटा। बस कर दो अब खेलने की, बस कर दो।